नमस्कार आमर ए विशेष कार्यक्रम षड्यंत्रकारी किए हत्याकारी किए को स्वागत करछु मचन भाई स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती 2008 मसीहारे आतताई को गुलीर शिकार होइथिले प्राण त्याग करथिले सेबेठु घटना को आज तांकर त्रयोदश श्राद्ध वार्षिकी 12 वर्ष पुरिछि किंतु न्याय अपेक्षा रे वर्तमान मध्य अनेक स्वामीजी साधु संत हिंदू संप्रदायर लोके रहिछन्ते कथा आसुछि जे किए थिले लक्ष्मणानंद सरस्वती। लक्ष्मणानंद सरस्वती कंधमाल जिला पाई से थिले प्राण केन्द्र माने कंधमाल जिलार आदिवासी मानंकर उन्नति पाई से निजको उत्सर्ग करिथिले सेमानंक शिक्षा एवं नारी सशक्तिकरण फसल कथा कहतु जंगल जमी ये सबू को लेकिन से गोटे सुंदर स्वप्न गढ़ी एवं या भितरे मध्य ताकु कार्यकारी करथिले आज जदि कंधमाल रे जंगल दिनकु दिन बढ़ुछि ये ही केवल स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती कारण से जंगल को जंगल रो आवश्यकता को लोक मान पाखे रखी थे लोक मैंने अनुभव करते जे जंगल हूँ से मानी गुरुत्व जहाँफल आज से चित्र कंधमाल देखा मिलू कि कथा आसूँ जोबले हत्या करागला लक्ष्मणानंद सरस्वती विरोध करुले जे धर्मांतिकरण को लेकिन से विरोध करुले आ भितर जितेबाद हत्या कर 2008 मसीह 2008 मसीह केवल प्रथम आक्रमण नथिला ता पूर्वरु 2007 मसीह आक्रमण करा जाई थिला एवं जहाँ को लेकिन से अभियोग करूर्वर बारंबार ऊपर आक्रमण होइछि किंतु शेष 2008 मसीह से शेष निश्वास त्याग कले आक्रमण करत्या करमें लगातार आश्रम से चित्र देखाउथिलु जे केमती भाव में गोटे बाथरूम रही से बाथरूम भितरे गुली कबाट्रे गुली से देते कबाट को भांगी थिले एवं गुली द्वारा आक्रमण करफी अनेक प्रकार रक्त छिटा लगी जदिव वर्तमान से रक्त छिटा ना कि रही सेत ताकु वर्तमान गोटे रूप दिखाई आख्या दिखाई कथा आसुची जे जो मैंने हत्या करते राष्ट्रीय गणमाध्यम रे एक कथा को स्वीकार कले जे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को से हत्या करिछन्ते किंतु तांको उपरे कोन कार्यानुष्ठान करागला वर्तमान से माने जेल रे अछन्ते तदंत हेउछि किंतु वर्तमान सुधा मध्य तांको विरोध रे बा तांको पक्ष रे षड्यंत्रकारी किए तांको पाखरे आज पर्यंत राज्य पुलिस पहुंची पारला नाही ये होछि सबटो बड़ प्रश्न ए बाबद रे आलोचना करबा मो सहित जोडी हेउछन्ते महेश साहू मो सहित जोड़ी होती तबे श्रीजुक्त साहू आपन को स्वागत जनाइबे आलोचना को कौन लगुच ये घटना को देखिले आपन को जे आज को 12 वर्ष हो गला किंतु न्याय अपेक्षा रे मध्य अनेक आज साधु संत ना ना देखंतो आपन जो कथा पचारी चंती 2008 मसीहा अगस्त 23 तारीख यही जन्माष्टमी तिथि रे पूज्य स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को केउ माने हत्या कले आमे समस्त जानिचे वर्तमान लुचिची ना गोड़ दीटा दिसुची समस्ते कहउचंती तांको आतताई माने हत्या कले जदि समस्तंक सामना रे माओ नेता सब्यसाची पंडा निजे स्वीकार करिचंती आमे स्वामी लक्ष्मणानंद जी को हत्या करिछु तापर आपण आतताई करिवा कहिवार मानेटा कोन एवं स्पष्ट भावरे जदि मते पचरा जाय स्वामी लक्ष्मणानंद जी को माने हत्या कले ना जो माने तांकर शत्रु को माने तांकर शत्रु थिले ना स्वामी लक्ष्मणानंद जी विधर्मी मानंकु विरोध करुथिले धर्मांतिकरण को विरोध करुथिले धर्मांतिकरण कामटा के माने करुथिले ना ख्रिस्टियन माने करुथिले मिशनरी माने करुथिले से माने चाहुतिले हिंदू मानंकु छळ बळ कौशल रे प्रतारित करी ख्रिस्टियन करुथिले स्वामी जी सेई धर्मांतरित होतिबा कामकु जेतु बाधा देले सेति पई तांकु विधर्मी माने हत्या कले 2008 मसीहा रे किंतु ता पूर्वरु नौ थर आक्रमण करी चंती सेति पई राज्य सरकार तांकु जेल सिक्युरिटी प्रदान करथिले अतय आमे सीधा सड़क आरोप करने चाहू ए सब्यसाची पंडा तो मोहरा हेले किंतु ता पछरे जो षड्यंत्रकारी से माने होउचंती निश्चित भाव रे ख्रिस्टियन तंत्र विधर्मी तंत्र
आश्चर्य करस बीतीगला कमिशन बसागला कि बर्तमान सुधा षड्यंत्री किए या पक्षर कहार हाथ या बाबद कौन तथ्य सामना को आसला ना जहा कथा कहते आजाद कथा कहतु और सब्यसाची कथा कहतु ये दुईज बर्तमान गिरफ होती सत कि षड्यंत्री किए बर्तमान सुधा जमापड़ना बाबद आलोचना करम सहित अच्छा विश्व हिंदू परिषद उपसभापति अच्छा महेश साहू श्रीजुक्त साहू पुणि थे आप आसवाई चाहिए जे खास करी ये बार वर्ष समय आपको केमती देखुं जे राज्य सरकार वास्तविक भाव में आंतरिकता अच्छी ना ना राज्य सरकार जानी सुनी लुचुचंती पचार चाहे एटी महापत्र कमिशनर बसिले नायडू कमिशनर बसिले जो रिपोर्ट आसिला ताकु राज्य सरकार कहा स्वार्थ रे शीतल भंडार रखुचंती कौन एमती ता भितरे पेड़ी अच्छी जोटा खुली गले राज्य सरकार स्वच्छ भाव मूर्ति नष्ट कौटि ना कौटि राज्य सरकार को उपरे साधारण लोकर संदेह सृष्टि आंगुली निर्देश हूँ राज्य सरकार कहीं से रिपोर्ट को सार्वजनीन करूना कौन एमती राज्य सरकार दुर्बलता अच्छी जो कमिशन रिपोर्ट सार्वजनीन करने 13 वर्ष लगला सार्वजनीन करूना जो सरकार कहे आईन ता बाटे जीव आज कहीं आईन बाट बनाई एक ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री साधारण लोक उत्तर दबार समय आसी बहुत दिन है गला 13 वर्ष है गला आज समग्र हिंदू समाज जवाब चाहूंगी कौ दिन स्वामी लक्ष्मणानंद हत्या करी को से दंड विधान करेंगे कौ दिन स्वच्छ भाव मूर्ति जो भाषण दिखती से भाषण को केवे चरितार्थ करेंगे आम राज्य सरकार तो आग्रह रखुचु बहुत दिन है गला आउ हिंदू समाज जो अपेक्षा अच्छी से पूर्ति करंतु आउ संख्यालघु तुष्टिकरण चलो ना एटी हिंदू बहुल राज्य हिंदू बहुल राज्य हिंदू मान प्रति राज्य सरकार न्याय करने बाध्य न्याय करने उचित कारण आपण होती धर्मनिरपेक्ष सरकार धर्मनिरपेक्षता चादर पिंधिला बेले आपण केवल ख्रीस्टियान मुसलमान मानू संख्यालघु मानू तुष्टिकरण करवाटा जदि धर्मनिरपेक्षता विचार करती राज्य सरकार ताहले आमे कहिबो से हिंदू मान छलना करुचंती तेणु हिंदू मान जो हक अच्छी पूज्य स्वामी लक्ष्मणानंद जी हत्याकारी किए आज हजार हजार साधु संत पर्दाफाश देखते खास करोसी साधु सत आक्रमण हो सरकार सुरक्षा देवाई विफल होती कारण आप देखी कि लक्ष्मणानंद सरस्वती कथा कह थे नुहे बारंबार आक्रमण करेषु हत्या करागला जानते जे अति निकट में बाबा जीवनानंद सरस्वती आक्रमण करमती अनेक साधु सत मान आक्रमण हो सरकार कहीं विफलता हासिल कर सुरक्षा दबार एथेरे बुझा पड़ुचि राज्य सरकार धर्म निरपेक्षतार चादर पिंधि विदेशी षड्यंत्र ये पृष्ठपोषकता साजिचंती ये संख्यालघु मानंकु प्रोत्साहित करुचंती एटी धर्मांतरित करिबा पाई एवं से चाहुचंती ओडिशा रे साधु संत माने रुहंतु नाही ओडिशाटा गोटे धर्मांतरित राज्य हो एने प्रचुर टंका तांकु मिलिवो विदेश रु किंतु आम राज्य सरकार को सावधान कर दबापाई चाहू ये हूँ जगन्नाथ भूमि ये हिंदू बहुल ओडिशा राज्य राज्य सरकार छलना को आद बरदास्त करा हिंदू समाज यार कड़ा कड़ा जवाब दबो एवं से जवाब देवार बेल धीरे धीरे पाखे आसला पापर घड़ा जिते पूरी जीव कौन राज्य सरकार को कौन विदेशी तंत्र के सुरक्षा दे पार ना आ गोटे सन्यासी हत्या दोष कलंकर टीका राज्य सरकार को मुंडरे लगी ये जड़े संत हत्याकारी सरकार कहवाई चाहे जो साधु सत मान को सुरक्षा दे पार ना राज्य सरकार से साधारण जनता को राज्य सरकार कौन सुरक्षा दब अतए आम कह चाहू ए राज्य सरकार साधु सत हिंदू मान मठ मंदिर प्रति उदासीनता को परित्याग करंतु एवं न्यायवंत भाव न्याय विचार करंतु।
तबे जेहेतु आपण हिंदू परिषदर होती सभापति उपसभापति खासकर आपणकर पदक्षेप कौन रण 12 वर्ष बीतीगला आशा अच्छी कि सरकार एने कि पुणी कौन सी गोटे कौन सी पदक्षेप ने पूरा सत पर्दाफाश हम एवं जदि सरकार एतिक्रम घटा विलंब घटा कौन रणकर आगामी पंथा तो आमे तो चाहुचु वर्तमान पूज्य स्वामीजींकर ये जो हत्या हला 13 वर्ष बीती जाइथिले मध्य राज्य सरकार कौनसी प्रकार रो पर्दाफाश कले नाही किए दोषी किए षडयंत्रकारी ताकु धरिले नाही तेणु आमर डिमांड विश्व हिंदू परिषद ओडिशा एक कथा डिमांड करबा पई चाहुची राज्य सरकार तुरंत या पर जदि कौनसी पदक्षेप न नियंती ताहाले आमे बाध्य हेकिरि एक गण आंदोलन रे परिणत करिबु ए इशू को ए तथ्य को एवं आमे तो मु डिमांड करिया पई चाहे यार सीबीआई तदंत हो केंद्र सरकार को पाखरे मोर अपेक्षा एते हस्तक्षेप करंतु जे बास खास करी देखिबा को बाकी रहइबो जे ये आंदोलन सरकार को ऊपर केते प्रभाव पकाउची कारण 12 वर्ष बीती गलाणी सरकार आज पर्यंत मध्य चेतुनाहांते कि घटना को गुरुतर स नै नांते कारण जदि नै थांते वर्तमान सुधा षडयंत्रकारी किए ता पछरे सरकार पहुंची थांते आउ ताकु उचित दंड मिलिथांता किंतु बारंबार देखंतु घटना परे मध्य साधु संत मानक ऊपर राज्य रे आक्रमण करा जाउची किंतु सरकार चुप कोटिना कोटि सेमानकु सुरक्षा दबारे मध्य फेल मारुछंते तबे आसीबी परवर्ती समय रे आपन सहित आलोचना करबा किंतु वर्तमान पीतांबर आम प्रतिनिधि जोड़ी होती आम सहित जलेशपटा आश्रम रु आज स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती त्रयोदशतम श्राद्ध बार्षिकी परिप्रेक्षी में पीतांबर वर्तमान सेठे जो साधु सन्त मैंने कौन प्रतिक्रिया रखुंट जे आज पर्यंत हत्याकारी किए से बाबद कौन सी स्पष्ट सूचना मिललानी चिन्मय निश्चित भाव आम सका तमाम चित्र देखाऊ तारी भितर सबुठ बड़ कथा सबुठ बड़ समस्या सबुठ बड़ अभियोग जे स्वामीजी हत्याकारी किए एवं से षड्यंत्रकारी किए आज पर्यंत कौन प्रकार स्पष्ट हो पारा ना एवं सबुठ बड़ कथा जी भी राज्य सरकार त्वरान्वित बेगर तदंत कर आवश्यकता रही तदंतर एत शिथिलता कहीं कि गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि वर्तमान आज जो जन्माष्टमी कार्यक्रम ताहा वर्तमान पूर्णाहुति पर्यायर मध्य रही विशेष भाव पूर्णाहुति हबार कार्यक्रम किसी समय पूर्व सरी आम आलोचना करवा सर आम साधारण लोक को एवं रखीचु छात्री मान को वर्तमान रखीचु किंतु समस्त मनरे से गोटे कथा जे स्वामीजी को केवे न्याय मिल पूर्णाहुति समय केमती कहते केमती संकल्प नबार आवश्यकता रही एबे आमको संकल्प नेबार अछि जदि सरकार शिथिलता आम एक मास समय दौ दुई पाणीग्राही कमिशन रो तदंत रिपोर्ट एवं नायडू कमिशन रो तदंत रिपोर्ट शीघ्र स्वामीजी सार्वजनीन करंतु विधानसभा रे रखंतु समग्र देश को जणे दियंतु स्वामीजी तदंत कौन अछि तदंत तदंत हो सारी सरकार पाखे अच्छी आउ सेटा गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री को हाथ में अच्छी से दायित्व अच्छी सेटा से प्रकट करंतु जदि न हबो ताहले आम पुणी राजरास्ता को उल्लू अंचलवासी जो मैंने कि से ही समय अर्थात 2008 मसीह से माने से ही आंदोलन में सामिल थे से ही आंदोलन करते कहीं स्वामीजी को केबे न्याय मिल आम आलोचना करवा जो भाई भाव में आज्ञा केमती देखुंट 2008 मसीह कथा कह वर्तमान कथा कह गोटे जुग 12 वर्ष बीतीगला स्वामीजी को न्याय टिके मिल पारा ना आम प्रत्येक हिंदू मानक प्रति कुठारघात केमती देख भयंकर कुठारघात हिंदू समाज प्रति सरकार भाभी नहीं चंदी हिंदू माने जेते कहले सभी आम सहबार चरम सीमा नहीं गला जमी साधु सन्त मैंने उत्त्यक्त है एणु साधारण जनता केवल अपेक्षा करही जे साधु आगुटी देखे कहीदेव जे जमती स्वामीजी आह्वान थी कहते आम परम पूजनीय जीवन मुक्तानंद जी जी शिष्य कहते कई से भी कहतु ना आज जे देख जाग हिंदू आउ सहबार समय ना 12 वर्ष गोटे जुग एटा हिंदू मान को गोटे समाधि करिवार चक्रांत चलते किंतु समाधि फाटी मध्य जदि रक्त चिटा पड़ी से संत लांडु बाबार ताहले जवाब मागिबे समाज आज आम आम आक्रोश आम कोहो आम संभाली पारनु आम कोहो आम संभाली पारनु केवल आदेश को अपेक्षा संत समाज एक हुंतु एक आह्वान दियंतु ए सरकार कोन सहे सरकार को रसा तल को नेबा पई जमा जे जगिचे हिंदू समाज आम आलोचना करुचे आम सहित जो भाई भाव में चकापाद आश्रम जी कि परिचालना दायित्व में आम आलोचना करवा
ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଆଶ୍ରମ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମ, ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଏହା ପଛରେ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ରିପୋର୍ଟକୁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଏଇଟାକୁ, କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାଯାଇନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକୁ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାହାନା ଦେଖାଇବା ଇଏରେ ସେମାନେ ଧରିଛୁ ଆମେ ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏତେ କମିଶନର ବସିକରି ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ପ୍ରଚାର ମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଯେ ସରକାର ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲା, ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ନାହିଁ କିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆପଣ ଯେମିତିକି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଅନୁସରଣରେ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଗୋ ସେବା କେମିତି କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ସଚେତନ କରିବା, ବିଶେଷ କରିକି 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ 80ରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୟସ୍କା ବୃଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ଜମି କିଏ ଛଡ଼େଇକି ନେବନି, ଏ ସଚେତନତାର ଗୋଟେ ଭାରି ପଡ଼ିଯାଉଛି କି? ଏ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ବି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ଏଇ କନ୍ଧମାଳରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅଛି ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ତା'ର ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ସେମାନେ ଅର୍ଥ କେମିତି ପାଇପାରିବେ, ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେଇପାରିବ, ସେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖଉଥିଲେ। କୃଷିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋସେବା ବାକି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାକୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାକୁ ଶିଖଉଥିଲେ। ସେହି କାମଟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ କନ୍ୟା ଆଶ୍ରମ ଆଉ ଚକାପାତ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଉଛୁ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଯେଉଁ କାମଟା ଯେତେ ଦୂରରେ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ଦରକାର ସେତିକି ପ୍ରଶାସନ ବା ସରକାର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସହଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ବନବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆମ୍ବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଲା, ମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବା ଦରକାର ସ୍ୱାମୀଜୀ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇପାରୁନି, ଏବେ ଏବେ ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମନର ଉଦ୍ବେଗ, ଆପଣଙ୍କ ମନର କୋହ କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ ମିଳିବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ହେଇଗଲାଣି, ନ୍ୟାୟ ଯଦି ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିବ ସେ ନ୍ୟାୟ ବାସ୍ତବରେ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିବା? 12 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନା କରିକି କେମିତି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଉ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ସରକାର ସେ ତା ଦିଗରେ ସେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତତାକୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ନାଇଡ଼ୁ କମିଶନ୍ ଆଉ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କମିଶନ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ରିପୋର୍ଟ ସେଟାକୁ ବାସ୍ତବରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଯଦି କରାଯିବ ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କମିଶନ୍ କାହିଁକି ବସାଇଲେ। ପୀତାମ୍ବର ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ, ଖାସ କରି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କନ୍ୟାଶ୍ରମ କଲେ ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚଳ କ୍ଷମା କରିବେ, ଯେ ଏ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାମୀ ସରସ୍ୱତୀ ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସେ କଥାକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବିକାଶର ବା ପ୍ରଗତିର ମୂଳ ହେଉଛି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାରୀ ସଶକ୍ତକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଯେମିତିକି କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଖାସ କରି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ, ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, କେମିତି ଫସଲ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଚାଷ କରିବେ ଏବଂ ଗୋ ପାଳନ କରିବେ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥି ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଉଥିଲା କି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଚିନ୍ମୟୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜାଣିଛୁ, ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ବିଶେଷ କରିକି କନ୍ଧମାଳ କଥା କହିବା,
स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती सबुबेले लोकों पर रही थे कहीं आपण अधराती कथा जदि कहे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती सेमती लोकों कथा बुझुथे तो विशेष करके आप जमी कहते नारी कथा कहवा नारी को से यही गोटे लक्ष्य रखी थे जे जमती कि नारी को शिक्षा दे भविष्य पीढ़ीर जो भाई उज्जवल कामना हो पार आम आलोचना करवा आज्ञा जमती कि मत प्रश्न आसूची जिते नारी मान शिक्षा दबा आगामी भविष्य को उज्जवल करवा गो सेवा को प्राधान्य देवा गो माता को रक्षा करवा ए सबू परिप्रेक्षी क्या कहीं एमती भारी पड़गला जहाद्वारा कि एत बड़ षड़ी सृष्टि स्वामीजी कहते जदि माँ टा सुधरी जीव जदि गोटे झील भल माँ होगा तेल आसंता दस पीढ़ी सुधरी जीव यहीटा विधर्मी मान को बेस बाधिला ये लक्ष्मण सरस्वती झील मान को पाठ पढ़ाई जदि योग्य करदेव आउ छुआ पिला विधर्मी हे ना तो आम लक्ष्य पूरा हेनी कहीं कदमाल को ख्रीटस्थान बनवाई चाहूल आपको स्विजरलैंड बनवाई चाहूल भटिकान सिटी रोमन कैथोलिक चर्च समग्र विश्व को शासन कर स्वप्न आज भी देखुची तेणुक ओडिशा को ये प्रयोगशाला कंधमाल को बनवाई चाहूल जोटा स्वामीजी कईदे गोरक्षा धर्मलक्षा आउ एससी एससी लोक मैंने जब ख्रीटियान होने जेहतु एससी केवल हिंदू मान ख्रीटियान मान धर्म जदि नहीं गला से तो जनरल हो संख्यालघु सुविधा पाइब एससी सुविधा पाईपर से माने जो कपट सर्टिफिकेट बनाऊ स्वामीजी ताक चेक कर सबुठ माँ मान को संस्कारित कर पूज्य स्वामीजी बड़ अवदान झील मैने सका उठवा ये झाड़ू लगे ठारे भल कम करवा भल पाठ पढ़ा आप देखी थे कि संस्कृत श्लोक आम झील मैंने पढ़ुं गीता पढ़ा संस्कृत श्लोक पढ़ा गीत नाच सर्वांगीण सांस्कृतिक चिंतन अग्रगण्य जिते बड़े कंधमाल शिक्षित हो देखु गोलिया पाणी फायदा ना मछ मारा भाया से इंग्रेज मैंने चाहते उन्नत करवाई आमको तो दास करने चाहते चर्च के उन्नत करने चाहिए आमको दास करने चाहिए स्वामीजी यहाँ कही शिक्षित करवा स्वावलम्बी कर देवा शक्तिशाली कर देवा गोटे बड़ अवदान था जंगल जत द्रव्य रु जैविक पदार्थ हाँ 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 जमी आज कंधमाल हलदी आमेरिका पर्यटन जाऊँ कंधमाल हलदी कंधमाल हलदी मांडिया कांगु अथवा अनेक जो वनजात द्रव्य आदि अच्छी सबू अर्गानिक आउ स्वास्थ्यपी अति उन्नत ये द्वितीय हिमालय पूज्य स्वामीजी कहते कंधमाल मु एक हिमालय दस वर्ष तपस्या कर गत 40 वर्ष पूज्य स्वामीजी द्वितीय हिमालय निश्चिंत भाव में जहाँ आम प्रतिक्रिया शुणुलु पीतांबर जे खास करी स्वामी मृत्यु को आज को 12 वर्ष पूरला जो स्वामी जी पूरा भविष्य चिंता करूँ कंधमाल एवं ये समाज कारण अनेक महिला केमती सशक्त हे से दिगरे से काम करूँ जंगल जमी ये सब केमती आदिवासी रही से दिगरे काम करूँ गोपालन कथा कहतु एवं चाष कथा कहतु ये सब दिगरे काम करूँ जहाँकि आज तार प्रतिफलित देखा मिलूँ कंधमाल एत गुड़े जंगल रही कारण जंगल सुविनियोग जंगल केमी सुरक्षा रखा जिबो ये बाबद से लोक अवगत कराइले किंतु कथा आसुची जे आज पर्यंत हत्यार षड्यंत्री किए ताखे राज्य सरकार पहुँची पारे जो कि वर्तमान अनेक हिंदू मनरे याकि क्षोभ देखा मिलू बहुत बहुत धन्यवाद पीतांबर आम सहित जोड़ी जलेशपटा आश्रम आम प्रतिनिधि और या सहित विश्व हिंदू परिषद उपसभापति आम सहित जोड़ी श्रीजुक्त साहू सहित आलोचना करूँ समय सर आम विशेष कार्यक्रम को ये रखु नमस्कार।